15 अगस्त है, इतना देर नहीं सोते, उठो। क्या है यार? क्या है दादी, क्यों उठा रहे हो सुबह सुबह इतना? कितना अच्छे से नींद आई थी। अब पता है इंडिपेंडेंस डे है, बट आप जानते हो ना बाहर क्या चल रहा है, लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते, तो मैं क्या करूंगी उठ के, बताइए 15 अगस्त पे, आप ही बताओ। कितनी अच्छी नींद खराब कर दी यार। और वैसे भी दादी आपको पता है मैं 5 बजे ही उठी थी, उठ के मैंने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह पे एकदम अच्छी सी पोस्ट एकदम सर्च कर करके डाल दी है। सबसे बेस्ट पोस्ट है मेरे इंडिपेंडेंस डे की, जानते हो आप। और क्या करूं मैं, 15 अगस्त है तो। अरे आज इंडिपेंडेंस डे है बेटा, उठना है कि नहीं जल्दी? हमारे टाइम पे हम कितना जल्दी उठ के स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे। माना कि लॉकडाउन है, बट तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं भारत को लेकर? ये आजकल के बच्चे भी ना, क्या ही बताऊं मैं, सोते रहते हैं बस। उठो, कुछ तो करो। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको सीमा पे जाके लड़ना है या शहीद हो जाना है, मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि उठो। जो हमारे जो शूर वीर होके गए, उन्होंने जो किया है अपने देश के लिए, उसको थोड़ा याद करो, और अपने लेवल पे जितना भी हो सकता है इस देश के लिए तुम जो कुछ कर सकते हो वो करो। एक पौधा ही लगा दो, वो भी बहुत बड़ी बात है बेटा, बस इतना ही कहना है मुझे। यू आर राइट दादी, हाँ आप सही कह रहे हो, मतलब ठीक है हम बाहर नहीं जा सकते, बट हम अंदर बैठ के देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ठीक है दादी, आज ना मैं क्या करूंगी बताओ, आज मैं एक पौधा लगाऊंगी, और फिर हमारे कॉलोनी में जो भी बच्चे हैं जिन्हें इंटरनेट का ज्यादा नॉलेज नहीं है कि इंटरनेट पे कैसे पढ़ाई भी हो सकती है, वो मैं उन्हें सिखाऊंगी। और जो हमारे यहाँ पे काम वाली आंटी आते हैं या जो कोई भी इंसान है जिनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ पता नहीं होता है, पेटीएम कैसे यूज करते पता नहीं होता है, तो उन्हें मैं नॉलेज दूंगी। मतलब जिन्हें भी इंटरनेट सेक्टर का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो गूगल कैसे यूजफुल है वो पता नहीं है, वो सब मैं उन्हें बताऊंगी। चलेगा दादी? दैट वुड बी एन गुड आइडिया ना। और फिर ऐसे सब करूंगी, फिर तो आप हैप्पी हो ना दादी।